दिस इज दिव्या जायसवाल, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डिवालॉग 4, जो कि है बेस्ड ऑन फूड आइटम। हाउ वी कैन ऐड दिस फूड आइटम इन दिस बास्केट्स और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं एज एन गिफ्टिंग ऑप्शन, क्योंकि मैं एक्चुअल में अभी आप देख सकते हैं मेरे आसपास लाइटिंग बहुत ज़्यादा नहीं है इस रूम में। स्टिल आई एम शूटिंग दिस वीडियो क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि मैं अभी क्या कर रही हूँ। अभी मैंने इस तरीके की बास्केट्स लिया है और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सारे के सारे मोदी केयर के फूड आइटम्स के प्रोडक्ट्स, और इनको पैक करने वाली हूँ अपने नियर डियर वंस के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। तो ये काम करते हुए मैं चाहती थी मैं आपसे डिवालॉग 4 में यही सब चीज़ें शेयर करूं कि कैसे हम इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और बहुत अच्छी गिफ्ट पैकिंग्स क्रिएट कर सकते हैं और दे सकते हैं अपने नियर डियर वंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आप मेरी हमेशा देख सकें। और मेरी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करिए अगर आपको पसंद आ रही है तो, क्योंकि बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं बट लाइक्स उतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। सो आई एम रियली वंडरिंग कि आप वीडियो देखकर प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करिए। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को, जिसमें है आज फूड आइटम स्पेशल और दिवाली गिफ्ट स्पेशल। तो सबसे पहले इसमें मैं शेयर करना चाहूँगी आंवला कैंडी। रिसेंटली लॉन्च प्रोडक्ट है, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, आता है दो फ्लेवर में, चटपटा आंवला कैंडी और मीठा वाला आंवला कैंडी। दोनों ही मेरे फेवरेट है, बट चटपटा पर्सनली मुझे बहुत पसंद आता है, मीठा मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है। एज एंड टॉफी चॉकलेट के रिप्लेसमेंट में उनको देती हूँ तो मैं बहुत श्योर हूँ कि मैं अच्छी चीज़ दे रही हूँ। और बहुत लाइट मीठा, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा मीठा है इसमें, बहुत हल्का सा लाइट मीठा है। और चटपटा में भी बहुत ज़्यादा खट्टा वगैरह कुछ नहीं है, हल्का चटपटा टेस्ट है, तो खाने में आपको दोनों ही बहुत बेहतरीन ऑप्शंस है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि आप जानते हैं आंवला एक एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट है, और इसकी कैंडीज अगर बनी हुई हैं जो कि बहुत से खूबसूरत से जार में, आप सिंगल भी किसी को पैक करके दे सकते हैं, बहुत खूबसूरत जार है ये, हाफ के जी का पैक है और रिटेल प्राइस है इसका 265 रुपीज़। तो दिस इज़ रियली गुड ऑप्शन, आप इसको सिंगल भी पैक कर सकते हैं इस तरीके से, बास्केट में ऐड करके, और प्रोडक्ट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं डेफिनेटली। और ये एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है, सर्दियाँ आ रही हैं, आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। और आजकल तो दिल्ली एनसीआर में आप जानते ही हैं और भी सिटीज़ में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन लेवल बढ़ा हुआ है, स्मॉग लेवल बढ़ा हुआ है, तो इसमें हमें चाहिए एंटीऑक्सीडेंट डाइट, जो कि हमें ये फ्री रेडिकल से और इस पॉल्यूशन से हमारी हेल्थ को सेफ रख सके, तो उसके लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसके अलावा अगर मैंने एंटीऑक्सीडेंट की ही बात करी है तो मैं शेयर करना चाहूँगी फ्रूट ऑफ अर्थ की टी एंड ग्रीन टी, बिकॉज बोथ आर एंटीऑक्सीडेंट ऑप्शन। तो आपके फ्रेंड्स में जल्दी से सर्च करिए कौन से ऐसे फ्रेंड्स हैं जो टी लवर्स हैं, या कौन से ऐसे फ्रेंड्स हैं जो हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस है, तो ये गिफ्ट पैकिंग्स आप डेफिनेटली उनको गिफ्ट पैकिंग्स बनाकर दे सकते हैं। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो इसमें 25 टी बैग्स हैं, 50 ग्राम इसका टोटल नेट वेट है और 205 रुपीज़ का रिटेल प्राइस है। और फ्रूट ऑफ अर्थ का जो हमारा टी का पैक है, इसमें रिच अरोमा रिफ्रेशिंग टेस्ट है, CTC एंड लॉन्ग लीफ टी है, बहुत अच्छी पत्तियां है इसमें, और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत डल कलर आ रहा है, माइल्ड कलर आ रहा है। तो आप अपना क्वांटिटी जो मार्केट वाला यूज कर सकते हैं उससे कम क्वांटिटी में आप इसको डालेंगे और बहुत बेहतरीन कलर आएगा और बहुत अच्छा है टेस्ट में। प्लस सबसे मेरे को बेस्ट पार्ट लगता है एंटीऑक्सीडेंट है, बिकॉज आई एम पर्सनली अ टी लवर। मैं ज्यादा चाय पीने से, मुझे बाहर का चाय पीने से बहुत प्रॉब्लम्स होने लग गई थी, एसिडिटी की प्रॉब्लम, कभी कुछ और प्रॉब्लम, लेकिन जब से मैं ये कंज्यूम कर रही हूँ ट्रस्ट मी बहुत बेहतरीन है ये, एंटीऑक्सीडेंट है सबसे बड़ी बात। आपको पीने के बाद बिल्कुल हैवीनेस नहीं लगता है, बहुत जल्दी आपका डाइजेशन भी अच्छा करती है ये। और इसका प्राइस की बात करूँ तो 250 ग्राम्स का ये पैकेट है एंड इट रिटेल्स फॉर 160 रुपीज़। तो दिस इज़ अगेन अ हेल्दियर एंड एंटीऑक्सीडेंट ऑप्शन फॉर योर गिफ्ट पर्पस। और जहाँ हम एंटीऑक्सीडेंट की बात करें और जिंजर और हनी उसमें ना हो तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सॉल्ट फ्लेवर के मैं यहाँ पे हनी की बात करना चाहूंगी, जो कि आता है 3 न्यू फ्लेवर्स में। एक तो प्लेन हनी है, जिसमें आप एज एन प्लेन हनी अगर यूज करना चाहते हैं तो ले सकते हैं, प्लस हनी विद जिंजर भी है और हनी विद तुलसी भी है। हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं, दोनों के ही मैंने काफी सारे पीसेस मंगा कर रखे हैं और मैं ऐड कर रही हूँ अपने गिफ्ट पैकिंग्स में इनको,
क्योंकि एक एंटीऑक्सीडेंट तो ठीक है, लेकिन विंटर सीजन में ये आपके हेल्थ के लिए बहुत सारे हजारों गुण हैं, हनी में भी, अपने आप में भी, और जिंजर में भी, और तुलसी में भी। तो अगर आप इनको ऐड करते हैं और किसी को भी गिफ्ट करते हैं, अगर आप ये सिंगल भी गिफ्ट करते हैं, ट्रस्ट मी, वो आप जिसको भी अपने फ्रेंड को दे रहे हैं, रिलेटिव को दे रहे हैं, उनके लिए ये इस दिवाली का बेस्ट गिफ्ट होने वाला है, क्योंकि टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है। और आप एक प्योर चीज़ किसी को गिफ्ट कर रहे हैं जो वो खुद कंज्यूम करेंगे, किसी को पास ऑन नहीं करेंगे, जो जनरली होता है दिवाली गिफ्टिंग्स में। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर कोई हेल्थ कॉन्शियस है या अगर आप किसी को देना चाहते हैं, तो सॉल्ट फ्लेवर का इसका राइस ब्रैन ऑयल दे सकते हैं, क्योंकि जिसको भी, अगर आपको लगता है आपके क्लोज वंस हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल का इशू है, या जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, अच्छा ऑयल यूज करना चाहता है खाने में, तो आप चाहेंगे कि आप उनको ये ट्राई कराएं, ताकि उनको पता लगे, अवेयरनेस हो कि वो कितना अच्छा प्रोडक्ट है मोदी केयर के पास। राइस ब्रैन ऑयल है, जलता बहुत कम है, पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन है। और आपको मैं बताना चाहूंगी, इसके साथ आप इसका फ्रूट ऑफ अर्थ का कोकोनट ऑयल ऐड कर सकते हैं, जो एक एडिबल फॉर्म में है, यानी खाने में आप यूज कर सकते हैं, और ये बिल्कुल 100% प्योर कोकोनट ऑयल है। और इसके अलावा आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं सॉल्ट फ्लेवर का प्योर काउ घी। दिस इज अमेजिंग प्रोडक्ट। मैं खुद बहुत अच्छी यूजर हूँ इन प्रोडक्ट्स की, और मैं आपको बताना चाहूंगी ये 100% प्योर है। और अगर 100% प्योर आपको घी मिल रहा है, तो सिंगल किसी को भी अगर आप ये देते हैं, तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है, नहीं तो आप इसका कॉम्बो बना के दे सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी गिफ्ट पैकिंग्स मार्केट में अवेलेबल है, आप उसमें भी पैक कर सकते हैं, आप बॉक्स पैकिंग कर सकते हैं, आप सिंपल रैपिंग पेपर में इसको रैप कर सकते हैं। ये बेहतरीन ऑप्शन है गिफ्ट करने के लिए। इसके अलावा अगर आप एडिबल फॉर्म की, अगर आप फूड आइटम की अगर बास्केट बना रहे हैं, तो आप इसमें हमारा जो है सॉल्ट फ्लेवर का पेने पास्ता, ये भी ऐड कर सकते हैं। ये जो है ये 100% हार्ड वीट का बना हुआ है और गरम वीट का बना हुआ है, आप इसको डेफिनेटली दे सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि अगर इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के सॉटे करके बनाया जाए, तो ये बच्चों के लिए हेल्दी ऑप्शन साबित होती है, और बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं बहुत अच्छी यूज़र हूँ इसकी, मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे को बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को खासकर बहुत पसंद है, तो मैं ये भी ऐड कर रही हूँ। और सबसे अच्छा रिसेंटली लॉन्च प्रोडक्ट जो है, ये तो ख़त्म ही होने वाला है, आई एम लविंग दिस प्रोडक्ट, ये है शाही मुखवास, जिसमें दिस बोथ आर फ्री फ्रॉम सुपारी। तो अगर आपको माउथ फ्रेशनर खाना पसंद है जो थोड़ा माइल्ड हो, तो आपके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है। खाने के बाद खाएंगे तो इसमें सौंफ एडेड है, तो ये आपके लिए एक डाइजेस्टिव ऑप्शन भी है। हेल्दियर इसलिए क्योंकि इसमें डेट्स भी डली हुई हैं, तो ये एक अच्छा माउथ फ्रेशनर है खाने के लिए, और कॉस्ट वाइज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट है हमारा शाही पान, जिसमें ये भी फ्री फ्रॉम सुपारी है, डेट्स डला हुआ है, उनको छोटा छोटा करके, बिल्कुल मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से है, और इसमें छोटा सा एक स्टील का स्पून भी आता है। और अगर मैं बताऊं तो ये पान फ्लेवर इसीलिए इसको बोला गया है, इसका नाम ही शाही पान इसलिए रखा गया है, क्योंकि इसके ऊपर कत्था की कोटिंग कर रखी है। तो दिस इज़ लाइक, जो आपको लगता है आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में ऐसा कोई है जो कि थोड़ा सा कोई भी पान मसाला इस तरीके से कुछ भी खाता है, तो आप उनको कह सकते हैं कि आप अपना वो पान मसाला के रिप्लेसमेंट में ये ट्राई करें, उनको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। और मैं ये नहीं कहूँगी ये बहुत हेल्दियर ऑप्शन है, लेकिन अगर वो अपने पान मसाला वगैरह जो भी वो खाते हैं, अगर उससे रिप्लेस करके इसको एटलीस्ट खाना शुरू कर देंगे, तो कम से कम उनको नुकसान नहीं करने वाला है। तो आप इन दोनों का कॉम्बो भी बना के डेफिनेटली किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का सारा फूड आइटम्स जिसको मैंने कवर किया है, और मैं ये बहुत अच्छी अच्छी बास्केट्स लेकर आई हूँ, बहुत सारी बास्केट्स लेकर आई हूँ इस तरीके की, और इन सब में ये सब चीज़ें रैप करने वाली हूँ और सबको गिफ्ट करने वाली हूँ। हो सकता है आप भी इस चीज़ को समझ पा रहे हो, तो कैसा लगा आपको, आप मेरे को इस चीज़ को ज़रूर बताइएगा। और हाँ, साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी, ये सब मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैंने आपके साथ शेयर करा है, माइट भी आप रिलेट कर पा रहे हैं, मे भी आपको लग रहा हो नहीं ये नहीं, आपको कुछ और गिफ्ट करना है, दैट्स पर्सनली आपका पर्सनल चॉइस है, जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। मैं भी बस इसको आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। तो आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, जल्दी मैं नई इन्फॉर्मेशन के, नई वीडियो के साथ आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।